आंख की दही बन गई आज तो मेरी। ऐसा क्यों होता है भगवान, थोड़ा कम कर दो। एक तो धूप से आंखें नहीं खुल रही, ऊपर से इतनी सारी हवा चल रही है, जब चाहिए होती तब तो चलती नहीं। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ सोनी। कैसे हैं आप लोग? अगेन मैं छत पे आई हूँ और हुआ है टाइम 11:30, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, देन स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं सबके सामने वीडियो बनाना उतना। अभी यहाँ पे न्यू तो थोड़ी बहुत हवा चल रही है, तो मेरी आवाज़ में आपको मेरी आवाज़ हवा की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे, मतलब टाइटल देख के आप भी सोच रहे होंगे ना कि क्या है। मैं भी आप लोग को बताने और दिखाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, कुछ चीज़ों का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और उसके बाद मैं आपका सस्पेंस भी ख़त्म कर दूँगी। तो मेरे पास आउच यार, इतनी हवा चल रही, कैसे वीडियो बनाऊँ। तो जैसे कि मेरे पास ये देखो, लैक्मे के दो प्रोडक्ट हैं, एक तो है लैक्मे एब्सोल्यूट का डे क्रीम है, देन दूसरा जो है लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो क्या हो रहा है यार, एक तो हवा चल रही है, सबको मुझसे दुश्मनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए मैं सोच रही हूँ ना इनका मैं रिव्यू शेयर इसलिए करूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो उसके बाद मैं आपका जो सस्पेंस है ना वो भी ख़त्म करने वाली हूँ। आवाज़ आ भी रही है नहीं आ रही, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने तो लगा रखा है माइक और मुझे पता है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हवा की आवाज़ भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो चलो फटाफट से दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद आपका सस्पेंस ख़त्म करती हूँ, जल्दी से उसको दिखा भी देती हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। स्टार्ट करते हैं हम क्रीम से। तो ये है एब्सोल्यूट, लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस क्रीम डे लाइटनिंग स्किन लाइटनिंग डे क्रीम है विद सनस्क्रीन। सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों में सनस्क्रीन है, SPF इसमें कितना है इसमें तो नहीं, वीडियो बनाने दे रहा है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्रीम की। तो क्रीम है लैक्मे एब्सोल्यूट की परफेक्ट रेडियंस क्रीम स्किन लाइटनिंग डे क्रीम है विद सनस्क्रीन है। इस पे इसका SPF नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि ये यू कैन सी, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि ये मतलब इसमें सनस्क्रीन है करके। सो ये है द एलिमिनेटेड लुक लैक्मे परफेक्ट रेडियंस रेंज लो क्रीम है, परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम है ये काफ़ी। और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि ये डे के लिए परफेक्ट है, पसीना नहीं आता है और डेली यूज़ के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और आजकल क्या चाहिए यार, इसमें सनस्क्रीन होना चाहिए ऐड, क्योंकि आजकल तो कितनी गर्मी है, हम कहीं भी जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है फेस पे। ये देखिए बिल्कुल भी फेस को ड्राई भी नहीं कर रहा है और ऑयली भी नहीं कर रहा है, तो इसको कोई भी स्किन वाले ऑल स्किन वाले ट्राई कर सकते हैं। अभी तो मेरे दोनों ही हाथ गोरे लग रहे हैं, बट काफ़ी अच्छी क्रीम है और फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसकी कॉस्ट भी हो क्या रहा है आज, पता है बोलते हैं ना इतना झुकना नहीं है, मुझे इन चीज़ों की वजह से इतना झुकना पड़ता है काम, ये काम की वजह से। ओनली 125 की रुपीज़ की है, जिसने ट्राई नहीं किया वो ट्राई कर सकते हैं, जिसने किया वो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कुछ दिन से तो इन 4 हफ्ते से ही ट्राई कर रही हूँ और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं बताती हूँ, टोटल मिला के काफ़ी अच्छी है और गर्मी के लिए तो बहुत अच्छी है, और ऊपर से 3-4-5 घंटे आराम से काम मतलब आपके फेस पर रहेगी। देन अगर बात करें तो ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, सेम पैकेजिंग में दोनों की। इस पर SPF है 23, ये भी हमें सन प्रोटेक्शन से करता है, देखो इस पर लिखा है अच्छा खासा। इसका प्राइस बात करें तो ये है 180 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छा है। ये न्यू लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन लाइटनिंग कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट है, ऑयल फ्री है प्रोडक्ट, और क्या है डिज़ाइन फॉर डेली यूज़ के लिए है। इट्स यूनिक फॉर्मूला कंटेन इज द गुडनेस और मल्टी मिनरल्स और स्किन ब्राइटनिंग करता है पर्ल दैट मेक यूअर स्किन रेडियंट एंड विटामिन B3 भी है इसमें। सो टोटली मिला के ये भी हमारे स्किन को लाइटनिंग करता है और काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है, अच्छा खासा है, 23 SPF के साथ है और सन प्रोटेक्शन करता है।
तो इससे अच्छी बात हमें क्या चाहिए। तो चलो इसकी बात करते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी की। तो ये देखो, अबे यार दिमाग की दही बन गई मेरी तो आज। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, पता डब्बा उड़ के उधर चले गया है और ये पता नहीं कैसे गिर गया। और थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में एक चीज़ बहुत हुए, बस इसको कैसे लगाना, प्रेस प्रेस करके लगाना है आपको। इतनी बुरी वाली हवा चल रही, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। ये देखिए, मतलब मेरी आज की वीडियो ऐसी आने वाली है, मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं करने वाली, एडिट भी नहीं करने वाली हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कि आज की वीडियो इतनी गंदी हो रखी तो मैं इसको नहीं डालती हूँ, मैं तो इसी को डालने वाली हूँ। बहुत हेडेक हो गया मेरा इन चीज़ से। तो गाइस अगर मैं बात करूँ ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में भी नहीं है, बट ऐसे ऐसे नहीं लगाने हैं, बस थोड़ा सा प्रेस करके लगाओगे तो फेस पर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी काफ़ी लाइट वेट है दोनों चीज़ें। मेरा डब्बा ना बहुत दूर चले गया यार। सो मैं ना आपको एक मतलब एक ऐसा वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैं नीचे रूम पे वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था, बट चलो मैं एक दिन आपको पर्सनली ये बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं रूम पे वीडियो बनाती हूँ। तो ये रहे दोनों, अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है, अभी तो शॉप वॉप खुल गई हैं तो आप चाहें तो ले सकते हैं। बहुत कॉस्टली नहीं है, 120 और 125 और 180 रुपीज़ का है। सो एज यू विश, अगर आप लेना चाहें तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलो, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखाया कि हमारे घर में आया है छोटा सा मेहमान, तो यस मुझे काफ़ी इंतज़ार था उस चीज़ का। तो चलो ना, मैं सोच रही हूँ आपका भी इंतज़ार ख़त्म कर देती हूँ। टेंटन कुछ मंगाया है मैंने, आप लोग गैस कर सकते हैं इसमें क्या होगा। मैंने सोचा ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए ही इसको ओपन भी करूँ, तो आप लोग गैस कर सकते हैं इसमें क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ फिर इसमें क्या है। तो चलो मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेती हूँ। टेंटन मैंने एक और वीडियो शूट किया है, देखो कौन सा वीडियो पहले आता है। आई डोंट नो कि कौन सा पहले आएगा, दिखाऊं मैं आप लोगों को। कुछ नहीं है, खाली डब्बा है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फाइनली मैंने मंगाए हैं, हवा मंगाई है मैंने आज, हवा। ओह, मैंने सोचा भगवान जी गर्मी चल रही है, हवा भेज दो, मैं शूट करने जा रही हूँ ना छत पे, इसीलिए डिस्टर्बेंस हद होगी यार। इस चीज़ का मुझे थर्ड मंथ से वेट था, वो मुझे फाइनली आज मेरे घर में ए मेहमान आज पहुँचे हैं। थर्ड मंथ से बाबू से प्लीज़ ला दो, लाए नहीं। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया मेरी उम्मीदों पे। ये देखो मेरा बेबी आ गया, इसमें बहुत सारे पोस्टर हैं। ये मैंने मंगाया है अमेजोन से, जस्ट आज ही आया, तो मैंने कहा ना मैं आप लोगों को शूट करके आज ही दिखा देती हूँ। ये देखो छोटी छोटी बेबी आ गया मेरा, इसमें ये पांच पोस्टर हैं। चलो मैं आप लोग के साथ दिखा देती हूँ, और मैं ना जब भी कमरे में लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कहाँ का। ओ शिट, मैंने ना गलती से यहाँ पर फट गया मेरे से। ऐसे काम एक काम करती हूँ, नीचे जाके लगाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मेरी ये चार पांच पोस्टर हैं, तो इनको ना एक काम करती हूँ अपने बेड के आसपास लगाती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। चल तो चलते हैं रूम में नीचे, यहाँ मेरा हेड हो गया नहीं तो आज। तो फ्रेंड्स, रूम में आने के बाद मैंने इनको लगा दिया है इस तरीके से अपने बेड के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ नहीं कह सकते, अपने बेड के साइड लगाए जहाँ पे मैं इनको डेली देख सकूँ, एकदम से मेरी नज़र इन पे जाए। और जो स्माइली है ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, मेरी ननद ने बनाए हैं, मैंने उनसे कहा था, और ये बटरफ्लाई भी। तो जिस चीज़ का मुझे इतने टाइम से इंतज़ार था तो फाइनली आ गया, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइज। मैं आपका आपको इसका लिंक भी दे दूँगी, अगर आपको मंगाने हैं तो आप लोग मंगा सकते हैं। और यार एक बात बताऊँ, और ये मेरे कवर्ड में, पता है आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके लिए मतलब ऐसी चीज़ें लेके आओ, बहुत खुशी मिलती है। पता है अगर पहले से याद आते, मेरे घर वाले पहले से लेके आते मुझे और ज़्यादा खुशी होती, बट फिर भी मैंने बाबू को बोलने के बाद ये आ गया था। मैंने बहुत ट्राई किया पहले मंगाने की। सो आप लोग बताना इनमें से सबसे प्यारा बेबी आपको कौन सा लग रहा है। गाइस कैसे हैं आप लोग, सॉरी कल का व्लॉग पूरा शूट नहीं कर पाई। ये देखो मेरे पीछे प्यारे प्यारे से बच्चे मेरे। सो कैसे लगे आपको, आप लोग कमेंट करके बताना। एक्चुअली उसके बाद मैं कल शूट नहीं कर पाई, मुझे आपसे बात भी करनी थी,
तो यार पता है मैं थर्ड मंथ से बोल रही थी कि मुझे बेबी पोस्टर चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना बेबी पोस्टर वगैरह लगाने से और ऐसी चीज़ें देखने से थोड़े अच्छी वाइब्स आती हैं। बोलते हैं कि क्यूट क्यूट बेबी देखो, तो अपने बेबी भी क्यूट होते हैं वो, तो आई डोंट नो। बट जब मेरी भाभी प्रेगनेंट थी तो मैंने बहुत सारे पोस्टर लगाए थे उनके रूम पे, और मैं थर्ड मंथ जब मैं फैब में यहाँ आई थी तब से बोल रही थी कि मुझे ना बेबी पोस्टर चाहिए, बेबी पोस्टर चाहिए। तो उस टाइम पे बाबू लेके नहीं आई, देन उसके बाद फिर लग गया लॉकडाउन जिसकी वजह से तो कहीं मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। देन उसके बाद मैंने क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर किया था, उसमें से मतलब वहाँ से पास ही नहीं हुआ। फिर मैंने 8-10 दिन देखा बिल्कुल भी मतलब आ ही नहीं रहा था, मैं बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी कि मुझे कब बेबी पोस्टर घर आएगा। देन मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने बाबू को, बाबू प्लीज़ मंगा दो ना, उन्होंने तब जाके अमेज़ोन से ऑर्डर किया। अमेज़ोन से फिर 3-4 दिन में पहुँच गया था। आई एम सो हैप्पी यार, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि होता ही है यार, मतलब मैं कब से इस चीज़ का वेट कर रही थी और ये जाके अब जाके फाइनली मेरे पास आ गई है। ये छोटा वाला ट्राइपॉड ना इसलिए बहुत घुमा रही हूँ, अपने हाथ में हिल जा रहा है मेरा मोबाइल। सो आप लोग बताना आपको कैसे लगे मेरे क्यूट क्यूट से बच्चे, ये देखो, और इनको मैंने अपने पास में ही लगा रखा है, टैन टैन, ये देखो, और एक घोंचू सा मैंने अपने कवर में भी लगाया हुआ है, वो देखो इतना क्यूट लग रहा है। और आप लोग बताना इनमें से आपको सबसे ज़्यादा क्यूट कौन सा लगा, ये देखो। सो चलिए, मैं तो खुद फाइनली बाबू ने मेरा सपना पूरा कर दिया, घर में आ गया मेरा छोटू सा मेहमान। इनको इसको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इस साइड को सर करती हूँ तो इनको देख ही रहती हूँ, मतलब फिर सुबह उठते इन पे नज़र जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मेरी वीडियोस का वेट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो वेट करता है मेरी वीडियोस का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।